भारतीय आंदोलनों और क्रांतिकारी गतिविधियों का ही परिणाम था जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि 30 जून 1948 तक सत्ता जिम्मेदार हाथों में स्थानांतरित करने के बाद भारत छोड़ देंगे। अपनी इसी घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को भारत भेजा और इस शिष्टमंडल में 3 सदस्य थे, जिसमें व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, नौसेना मंत्री एवी अलेक्जेंडर और भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस शामिल थे। इस मिशन के प्रमुख कार्यों में भारत के संविधान निर्माण के विकल्पों पर विचार करना और सर्वसम्मति से संविधान सभा का गठन करना था। इसके अलावा लगभग सभी प्रमुख दलों का समर्थन प्राप्त हो, यदि सामूहिक रूप से देखा जाए तो कैबिनेट मिशन भारत में शांतिपूर्वक तरीके से हस्तांतरित करने के उपाय खोजना चाहता था और इसी के परिणाम स्वरूप एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया।